मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि तुम और शिखर एक दूसरे के करीब आ रहे हो, अनन्या चिल्लाते हुए कहती है। अनन्या शीना को घूरते हुए कहती है, दरअसल तुम्हारी तो क्या, शिखर अब किसी के भी करीब हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। शीना अनन्या की बात सुनकर हैरान थी। शिखर के करीब आने पर शीना के मन में एक पछतावा था कि वो अनन्या से किए अपने वादे को तोड़ रही है। ऐसे में अनन्या का इस तरह जवाब देना शीना को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। शीना को रह रहकर अनन्या का रोते हुए शिखर को मांगना याद आ रहा था, पर आज तो अनन्या का बिहेवियर एकदम ही अलग था। यही सोचते हुए कि आखिर हुआ क्या है, शीना आगे पूछती है, मैं तो तुम्हें इसलिए बता देना चाहती थी क्योंकि मुझे पता है तुम शिखर से कितना प्यार करती हो। शीना थोड़ा हिचकिचाते हुए आगे कहती है, और मैं ये भी जानती हूँ कि शिखर को भी हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती है, इसलिए बस। अनन्या शीना की बात बीच में ही रोकते हुए कहती है, शुक्रिया, ठीक किया तुमने ये बात मुझे बताकर। अब जब तुम इस पर मेरी प्रतिक्रिया देख चुकी हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो। अनन्या दरवाजे की तरफ इशारा करती है और शीना, जो अनन्या के इतने विचित्र व्यवहार से अभी भी हैरान थी, कमरे के बाहर चली गई। कमरे में खुद को अकेला पाकर अनन्या को आखिरकार एहसास हुआ कि शिखर की इतनी बेरुखी अब उससे और बर्दाश्त नहीं होगी, और वो मन ही मन ठान लेती है कि उसे शिखर और शीना की बढ़ती नजदीकियों को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। शिखर अकेले बैठा ये सोच रहा था कि उसे अपना सम्मान वापस पाने के लिए आगे क्या करना चाहिए। वो इस बात का हल निकालने के लिए शीना के कमरे में इस उम्मीद के साथ जाता है कि वो कोई प्लान बनाने में उसकी मदद जरूर करेगी। शिखर को यूं परेशान देख शीना के माथे पर भी शिकन आ गई। उसने घबराते हुए शिखर से पूछा, सब ठीक तो है ना, बहुत परेशान नजर आ रहे हो। शिखर उसे शांत करते हुए कहता है, सब ठीक तो है, पर हमें जल्द से जल्द कोई तरीका निकालना होगा सब कुछ पहले जैसा करने के लिए। शीना शिखर की ये बात सुनकर सोच में पड़ गई। शिखर भी कुछ वक्त के लिए कमरे में ही इधर उधर टहलते हुए सोचने लगा कि क्या करना चाहिए। थोड़े समय बाद शीना ने शिखर से सवाल किया, मैं जब टूर पे थी उस दौरान मेरी रूपल से बात हुई थी, वो तुम्हारे ही क्लब में काम करती है ना, वो मुझे बता रही थी कि ड्रग्स वाली बात के बाद से लोगों ने नाइट क्लब में आना भी बंद कर दिया है, क्या ये बात सच है? शिखर हाँ में सर हिलाता हुआ बोलता है, हाँ, और इसलिए मेरा भी ये मानना है कि मेरा नाम पूरी तरह से तभी बचेगा जब उस क्लब पर भी लोग फिर से भरोसा करना शुरू करेंगे। शीना कुछ पल के लिए सोचती है और कहती है, क्यों ना हम ऐसा करें कि क्लब में फिर से लोग बुलाने के लिए एक पार्टी रखें, मेरा भी बहुत मन है एक बार फिर से वहां जाकर परफॉर्म करने का। शीना की बात सुनकर शिखर खुश होते हुए कहता है, हाँ ये तय रहा कि हम क्लब में एक पार्टी रख रहे हैं और इस पार्टी की सबसे खास बात होगी तुम। शिखर की बात सुनकर शीना शर्माते हुए मुस्कुराती है। शिखर आगे सोचते हुए बोलता है, मेरे पास एक आइडिया है, मुझ पर लोगों का सबसे ज्यादा गुस्सा नकली दवाइयों को लेकर था, खास करके हिंदवाड़ा के लोगों में, जहाँ के सरकारी अस्पताल में मैंने सबसे पहले डोनेशन किया था, तो क्यों ना मैं उन्हीं लोगों के लिए कुछ ऐसा करूं कि उनकी सारी नाराजगी दूर हो जाए। शीना को शिखर की ये बात बेहद पसंद आती है और दोनों साथ मिलकर इस प्लान को पूरा करने का निर्णय लेते हैं। क्लब के अंदर जोर जोर से म्यूजिक की आवाज आ रही थी। क्लब के अंदर बाहर तरह तरह की लाइट लगाई गई थी और पार्टी का माहौल हर तरह से किया जा चुका था, बस लोगों के आने की देर थी। क्लब के बाहर पत्रकारों की भीड़ लगी हुई थी, सब में ये जानने की उत्सुकता थी कि क्या क्लब की इस पार्टी में कोई आएगा भी या नहीं। शीना इस पार्टी में परफॉर्म करेगी ये सुनने के बाद से उसके फैंस में उससे मिलने के लिए, उसे गाता देखने के लिए बेचैनी तो थी, पर साथ ही साथ शिखर जैसे किसी व्यक्ति के क्लब में जाने से हिचकिचाहट भी थी। शिखर और शीना क्लब के अंदर बेसब्री से सबका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि वो दोनों ये बात जानते थे कि अगर समय रहते लोग क्लब में आ जाते हैं तो उनका क्लब फिर से शहर के नामी क्लब्स में आ जाएगा। शीना स्टेज पर जाने के लिए तैयार थी। उसने जो सुनहरे रंग की ड्रेस पहनी थी उसे देखकर कुछ पल के लिए शिखर की नजरें उससे हटती नहीं थी। शीना शिखर की आंखों में आंखें डाले मुस्कुराते हुए बोली, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा अगर आज पार्टी में कोई नहीं आया तो। शिखर ने शीना को छेड़ते हुए कहा, जितनी खूबसूरत तुम आज लग रही हो मुझे तो डर है कि कहीं पूरा शहर ही आज क्लब में ना आ जाए।
इतने लोगों को काबू में करने के लिए तो गार्ड्स भी नहीं है हमारे क्लब में। शिखर की बात सुनकर शीना खिलखिलाकर हंसने लगी। शिखर भी हंसते हुए उसे देख रहा था। तभी क्लब में लोगों का एक ग्रुप आया। देखते ही देखते क्लब में लोगों की संख्या बढ़ने लगी और इतने लोगों को देख शिखर ने चैन की सांस ली और शीना उसकी ओर मुस्कुराते हुए स्टेज पर चली गई। शीना की आवाज स्टेज पर सुनते ही क्लब में आए सभी लोग झूम उठने लगे, मानो शीना सब पर कोई जादू कर रही हो। शीना का गाना खत्म होने पर वो कुछ पलों के लिए ब्रेक लेने स्टेज से उतरी थी, लेकिन इसी बात का फायदा उठाते हुए शिखर स्टेज पर आ गया और माइक लेकर उसने लोगों को कहा, आप सब मेरे क्लब में आए इसके लिए मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। शिखर की बात सुनकर वहां आए लोगों में से किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इस बात को नजरअंदाज करते हुए शिखर ने आगे कहा कि मैंने हाल फिलहाल में जितनी भी गलतियां की है, मैं जानता हूं कि उनकी वजह से आप मुझसे नाराज हैं और नाराज होना बनता भी है, पर मैं अपनी सभी गलतियों को एक एक करके सुधारना चाहता हूं और उसकी शुरुआत करने के लिए मैंने ये फैसला लिया है कि मैं हिंदवाड़ा में एक अस्पताल बनवा रहा हूं जहां लोगों का मुफ्त में इलाज होगा। शिखर की बात सुनकर वहां आई मीडिया में खलबली मच गई। लोग भी शिखर की ये बात सुनकर खुश हो गए और फिर बड़े ही स्मार्ट तरीके से लोगों की ओर मुस्कुराते हुए शिखर ने कहा, खैर आप सबसे तो बातें होती ही रहेंगी, मैं जानता हूं कि आप यहां मुझसे बातें करने नहीं शीना की आवाज सुनने आए हैं, तो बिना देर किए। इतना कहकर शिखर शीना को हाथ पकड़कर वापस स्टेज पे ले आता है और तालियों और सीटियों की आवाज से पूरा क्लब गूंज उठता है। अगले दिन शिखर को धरना प्रदर्शन किए जाने की खबर का पता चला। वो ये खबर सुनकर जल्द से जल्द हिंदवाड़ा पहुंचा। वहां पहुंचकर शिखर ने देखा कि लगभग हिंदवाड़ा के सभी लोग उस जमीन पर बैठे हैं जहां अस्पताल की नींव रखी जानी थी। लोगों के साथ साथ पत्रकार भी वहां आ गए हो ऐसा भी प्रतीत हो रहा था। शिखर हैरानी के साथ सबको देख रहा था। तभी उसकी नजर धरने दे रहे लोगों पर पड़ी, जिन सबके ठीक सामने एक आदमी बैठा है। वो इंसान शक्ल से भले ही बुढ़ा और कमजोर नजर आ रहा था, पर उसके आसपास बैठे लोग केवल उसके कहे शब्दों पर ही ध्यान दे रहे हैं। थोड़ी देर पूछताछ करने के बाद शिखर को पता लगा कि वो आदमी का नाम कमलकर कुलकर्णी था। इज्जत के साथ लोग उन्हें कमलकर दादा बुलाते थे और सभी लोग उनकी हर एक बात पूरे दिल से मानते थे। शिखर को ये बात पता चलते ही उसे समझ में आ जाता है कि अगर उसे धरने की असली वजह पता करनी है तो उसे एक ही ये आदमी मदद कर सकता है। शिखर बड़े ही साहस के साथ उनकी ओर बढ़ा और उनसे पूछा, क्या मैं ये जान सकता हूँ कि आप लोग किस बात का धरना दे रहे हैं? कुछ देर कमलकर शिखर को ऐसे देखता रहा मानो शिखर ने उन्हें कुछ गलत बात कह दी हो। फिर धीरे से उसने बोलना शुरू किया, तुम्हें अगर ये भी नहीं पता कि कोई भी स्वाभिमानी व्यक्ति तुम जैसे इंसान से मदद क्यों नहीं लेना चाहता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं जो कहने वाला हूँ वो तुम समझ भी पाओगे या नहीं, पर फिर भी तुम्हें बताना मेरा फर्ज है इसीलिए बता रहा हूँ। कमलकर ने रुक कर अपने पास पड़े गिलास में से पानी का एक घूंट पिया और फिर कहा, हम सब ने मिलकर ये तय किया है कि आप यहाँ हिंदवाड़ा में किसी भी प्रकार का कोई भी अस्पताल नहीं बना रहे हैं, हम ऐसा होने नहीं देंगे। कमलकर की बात सुनकर शिखर को एक पल के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि भला कोई क्यों नहीं चाहेगा कि उनकी मदद के लिए मुफ्त में इलाज करने वाला एक अस्पताल खुले। शिखर ने अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए कहा, लेकिन क्यों, मेरा यकीन कीजिए, मेरा मकसद सिर्फ आप लोगों की मदद करना है और कुछ नहीं। शिखर की बात को काटते हुए कमलकर ने कहा, तुम्हारी मदद खूब देखी है हमने, जब जी में आया नकली दवाइयां भेज दी और अब आए हो मुफ्त का अस्पताल खोलने। माना कि हम गरीब लोग हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सहायता के नाम पर तुम जैसे लोग जो जी में आए वो करोगे। कमलकर की गुस्से भरी आवाज सुनकर शिखर शर्मिंदगी से बोला, मैंने पहले जो कुछ भी किया वो मेरी एक गलती थी, उस गलती को सुधारने के लिए और माफी मांगने के लिए ही मैं ये अस्पताल खोलना चाहता हूँ ताकि आप सबकी सहायता कर सकूं, मेरा यकीन मानिए। अब कमलकर का पारा चढ़ चुका था। उसने भड़कते हुए कहा, हमें नहीं करना तुम पर यकीन और ना ही तुम्हारे किसी भी एहसान की हमें कोई जरूरत है। यहाँ रहता हुआ हर व्यक्ति बड़ी ही ईमानदारी से मेहनत करके अपने दो वक्त की रोटी कमाता है, हालांकि मुझे इतना तो यकीन है कि मेहनत और ईमानदारी तुम नहीं जानते।
ऐसे में तुमसे मदद लेकर जो एक चीज हमारे पास है वो हम नहीं खोना चाहते, वो है खुददारी। ये सुनकर शिखर कुछ बोलने जाता है, पर कमल कर उसे हाथ के इशारे से रोकते हुए कहता है, तुम हमारी बस एक ही मदद कर सकते हो, चले जाओ यहां से और हमें अकेला छोड़ दो। कमलकर की कही हुई ये बात सीधा शिखर के दिल से जाकर लगी। उसे इस बात से ठेस तो पहुंची थी, पर वो ये भी जानता था कि इस वक्त उसके पास कमलकर की बात का कोई जवाब नहीं था, और इसीलिए वो निराश होकर वहां से चला गया। अपने प्रस्ताव का इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बाद शिखर बहुत ही निराश और परेशान बैठा था। उसे इस प्रॉब्लम को सुलझाने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। तभी शिखर के दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो देखा कि तीन लोग उसके सामने खड़े थे। उन तीनों में से जो बीच में खड़ा था उसे पहचानते हुए शिखर ने कहा, अरे तुम तो कल वहां कमलकर दादा के साथ धरने पे बैठे थे ना? हाँ, हम सभी वहीं से आए हैं। मेरा नाम विशेष है और ये तरुण और दीपक। अपने साथ आए लोगों से शिखर को मिलवाते हुए उस आदमी ने कहा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, क्या हम अंदर आ जाएं? शिखर ने हाँ में सिर हिलाए और उन तीनों लोगों को अंदर बुलाकर सोफा पर बैठाया। बैठे बैठे वो तीनों लोग शिखर के आलिशान बंगले को निहार रहे थे। शिखर ने उनकी ओर नाश्ते की प्लेट बढ़ाते हुए कहा, आपको कुछ बात करनी थी मुझसे, कहिए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? विशेष ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, दरअसल हम चाहते हैं कि आप हिंदवाड़ा में अस्पताल बनाए ताकि वहां के लोगों का मुफ्त में इलाज हो सके। ये बात सुनकर शिखर चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, मुझे तो अस्पताल बनवाने में बेहद खुशी होगी, पर आप ही लोग इस बात के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे ना कि आपको मेरी सहायता नहीं चाहिए, तो अचानक से ये बदलाव क्यों? विशेष ने सिर हिलाते हुए कहा, हमारा पूरा चौल कमलकर दादा को बहुत मानता है और दादा अपने उसूलों के बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि उन्हें आप जैसे व्यक्ति की मदद नहीं चाहिए तो उनका मन कोई नहीं बदल सकता और ना ही कोई उनके खिलाफ जाकर आपसे मदद लेने आएगा। और ये बात भी कोई झुटला नहीं सकता कि हमें हमारे गांव में एक अस्पताल की सख्त जरूरत है। विशेष की बात को पूरा करते हुए तरुण ने कहा, इसलिए हम यहाँ आए हैं, आप कोई ऐसा तरीका निकालिए जिससे हमारी मदद भी हो जाए और अस्पताल आपके पैसों से नहीं बल्कि किसी और के पैसों से बने। इनकी ये बातें सुनकर शिखर असमंजस में पड़ गया। फिर भी उन तीनों के जाते समय शिखर ने उनको आश्वासन दिया कि वो उनकी मदद जरूर करेगा। कुछ ही घंटों बाद शिखर अपने घर के बाहर पत्रकारों से घिरा खड़ा था। उन सबका आभार जताते हुए शिखर ने कहा, मेरे बुलाने पर यहाँ आने के लिए धन्यवाद। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैंने एक फैसला किया है जो मैं आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूँ। शिखर ने ऐसा क्या निर्णय लिया था? क्या उसका प्लान सफल होगा और क्या वो अपने शुभचिंतक से वापस मिल पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए मिलेनियर डिलीवरी बॉय सिर्फ पॉकेट एफएम पर।